आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आइए हवा महल में आज सुनते हैं अशोक कुमार घोष का लिखा प्रहसन, खाएं तो खाएं कहां। निर्देशिका है चंद्रप्रभा भटनागर। नहीं सुनना। मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना नहीं सुनना है। आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। मैंने बिल्कुल नहीं। अब मैं उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, इतना समझ लो अरुणा। अब ऐसी भी कौन सी बात हो गई जो आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। पता है उनकी इतनी तरफदारी क्यों की जा रही है, तुम्हारी रिश्तेदारी में आते हैं ना, इसीलिए। बड़े कामों में हमेशा कुछ कमियां गलतियां रही जाती हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शैतान का नाम लो, हाजिर। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। जब आप अंदर पधार ही चुके हैं धर्म जी, तो पूछने की क्या जरूरत है? लगता है इनका पहले से ही मूड ऑफ है। अरे धर्म भैया, आराम से बैठो। मैं ये पूछता हूँ धर्म जी, कोई बड़ा काम किस तरह किया जाना चाहिए? अगर नहीं जानते हो तो पूछने में, सलाह मशविरा करने में कोई छोटे हो जाते तुम। ठीक है जीजा जी, भविष्य में हर बड़े काम से पहले आपसे पूछ लिया करूंगा। आप तो खुश है ना? चुप रहे। धर्म भैया, ये बताइए आज कैसे आना हुआ? वो दीदी, मैं तो खास तौर से ये पूछने आया हूँ कि उस दिन आप लोगों ने ढंग से भोजन किया था कि नहीं। जीजा जी, आपसे तो उस दिन मुलाकात ही नहीं हो पाई। मुलाकात ही नहीं हो पाई? मुलाकात होती कैसे? मैंने तो सुना कि आप कहीं वहाँ मुंह छिपाए बैठी हुए। कितनी बद इंतजामी थी उस दिन की, पूछो मैं। अरे अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जीजा जी? उस दौरान आपसे मुलाकात नहीं हुई तो आपने उसका ये मतलब लगा लिया कि मैं मुंह छिपाए बैठा था? मैं तो यही कहूंगा। आप ये बताइए कि आपने कोई ऐसा सज्जन आदमी देखा है जो दावत के बाद लोगों के घर जा जाकर पता करे, पूछे कि भोजन ठीक से किया था कि नहीं? अरे छोड़ो छोड़ो, बड़े काम में गड़बड़ी को छिपाने के लिए आदमी भलमन साहत का जामा पहन के घूमता है। अब देखिए जीजा जी, आप बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ दीदी, मैं नहीं आऊंगा। चला गया। आपने नाहक मेरे भाइयों को नाराज कर दिया। देखो अरुणा, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल ना पसंद है जो ढंग से कोई काम ही नहीं कर सकते। गल है बादशाह, बड़े गर्म हो रहे हो। दोनों चुप हो, मामला किया है भाई। भाभी जी, कोई आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ? अब देखिए ना अबे भाई साहब, फालतू की बातों को लेकर खामखा बवंडर मचा रहे हैं। क्यों भाई चेला राम? ये श्रीमती जी कुछ समझते तो है नहीं। अब बात बहुत बड़ी है। बात कुछ भी नहीं है, ये बात का बतंगर बना रहे हैं। ओहो, कोई तो बताओ बात क्या है। मैं बताती हूँ। मैं बता रहा हूँ। अरे भाई, एक जना बोलो। ऐसा है भाई, नर्सों इन श्रीमती जी के रिश्तेदार धर्म जी के यहाँ शादी की दावत थी। अच्छा। उसी में सारी गड़बड़ी हुई है। वहाँ पर मॉडर्न तर्ज पर बुफे का इंतजाम था। अच्छा। बुफे यानी गिद्ध भोज। मुश्किल से 50 लोगों के खड़े होकर खाने की जगह और 150 से ऊपर एक साथ पिल पड़े। जानते हो मेरे साथ क्या हुआ? बताओ तो। सुनो, शानदार सजावट, गहमा गहमी, सजे धजे मेहमानों की भीड़, मैं भी अरुणा के साथ नए सूट में विराजमान, शहनाई की गूंज। अरे अरे, बड़ी भीड़ भाड़ है। दूल्हा दुल्हन भी स्टेज पर आ गए। बहुत सुंदर लग रही दुल्हन। अरुण, अभी तक भोजन शुरू नहीं हुआ। आपको तो सिर्फ भोजन की चिंता है। अरे जरा पहले जान पहचान वालों से मिल बोल तो लीजिए। देखो देखो, खाने में देर करोगी तो जूठी प्लेटें और खाली डोंगों के ही दर्शन होंगे। चम्मच नजर आ, रसगुल्ले गायब। चुन्नू मुन्नू, उस बेंच पर पहुंचो, जगह नहीं मिलेगी। अरे जल्दी आओ, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। मेरे लिए भी खेल लेना भैया, बड़ी भीड़ है, खाएं तो खाएं कहाँ। आप खड़े खड़े फिलासफी ना बघारिए, प्लेट उठाइए और आप भी लपक लीजिए। भूखे रह गए तो मैं घर जाकर खाना नहीं पकाऊंगी, कह देती हूँ। और सुनिए, मैं उस तरफ लेडीज में जा रही हूँ। जगह देंगे प्लीज। भाई साहब, आप बीच में क्यों खड़े हैं? उधर चले जाइए ना। हलवा पकड़ो, मैं दही बड़े लेके आता हूँ। दही बड़े? किधर है दही बड़े? अरे अभी तक आपने सिर्फ पूरी और चटनी ली, आप भी बस कमाल की। अरे खाए तो खाए कहाँ, मेघों के चारों ओर तो घेरा बंदी है, वहाँ तक पहुँचू कैसे? लगू वहाँ से हटे तब ना। आइए आइए, आप इधर आइए मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो? हाँ, ये
अरे यहाँ यहाँ से लीजिए, जो लेना हो आपको हाथ बढ़ाइए। माफ कीजिएगा देवी जी, जरा मैं सब्जी ले लूँ। तो लीजिए ना, रोकता कौन है? अजीब बदतमीज लोग हैं। एक्सक्यूज मी, मैं जरा और चटनी ले लूँ। पहले रसगुल्ले खाइए ना उधर जाकर। अजीब लोग हैं। अम्मा हटिए भाई, अम्मा चटनी तो लेने दीजिए। अरे रीना, अरे यहाँ है चटनी, आप ले लो। ला ला ला, चार चम्मच भर कर देना। भाई साहब, आप जरा थोड़ी जगह देंगे? मैं सबको जगह देता रहूं तो फिर खाऊं तो खाऊं कहाँ? भाई साहब जरा सर किए तो इधर को। ओ, बड़ी मुश्किल है। बहुत बढ़िया चटनी बनी है, ए, थोड़ी और दो ना। ये लो, अरे पूरा डोंगा ले लो। ला 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 ला, अरे आदमी तो यहाँ से हट ही नहीं रहा है। अरे चटनी गिर गई। वो भाई साहब, वो आपके कोट पे वो चटनी का डोंगा। कोट का सत्यानाश कर दिया। ऐसे ही डिनर में तो मजा आता है। अरे अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, छींटे क्यों उड़ा रहे हैं? उधर पानी का इंतजाम है, वहाँ जाके धो लीजिए अपना कोट। हमें तो खाने दीजिए। ओहो, टला तो यहाँ से। बेचारे का कोट खराब हो गया, ड्राई क्लीनिंग करवानी पड़ेगी उसे। तो तुहाड़े कोर्ट ने भी चटनी का मजा ले ही लिया। वैसे बुफे पार्टियों में ऐसे हादसे हो ही जाते हैं। अब आप ही बताइए अभय भाई साहब, उस कांड के लिए हमारे धर्मू भैया पर क्यों नाराज होते हैं ये? हाँ भाई, ना चला रहा हूँ ऐसा नहीं। वैसे भाभी जी, तुहाड़े भाई साहब को चाहिए था कि खाना पैक करके दे देते, तो लोग घर में जाके खा लेते। कौन है? आया भाई आया। ओ जरा सबर कर भाई। आप धर्म जी, फिर कौन सा रहमो करम करने चले आए आज? जीजा जी, मैं बहुत परेशानी में पड़ गया हूँ। बैठो बैठो, आराम से बैठो। जीजा जी, आपने एक दिन कहा था ना कि भविष्य में कोई बड़ा काम हो तो आपसे सलाह मशवरा कर लिया करूँ। इतनी जल्दी बड़ा काम भी निकल आया धर्म जी? अरे अभी तो मेरा कोट ड्राई क्लीन होके नहीं आया जी। अरुणा, अरे तुम्हारे धर्मू भैया आए। आती हूँ। इनके लिए ठंडा पानी लेते आना। अच्छा। हाँ तो धर्म जी, अब बताइए क्या परेशानी है? पहले तो मैं आपसे माफी मांग लूँ। मैंने सुना उस दिन किसी ने आप पर चटनी गिरा दी थी। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे जाने दीजिए उस बात को। भैया पानी। हाँ हाँ लाओ। आराम से पियो, आराम से। लाओ भैया। हाँ नहीं नहीं, बस शायद बाद में जरूरत पड़े। धर्मू जी, आज कुछ सहमे हुए लग रहे, बात क्या है? जी चीजा जी, बात ये है, मतलब फिलहाल बाहर चाय की दुकान में एक आदमी को बैठा कर आया हूँ। अरे क्यों, तुम्हारे साथ आए हैं तो यहाँ बुला लो, मैं बुलाती हूँ। नहीं 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 दीदी, तुम अभी ना बुलाना, पहले वो बुफे वाली दावत वाली मामला साफ हो जाए ना। ये आदमी मुझे धमका रहा है जीजा जी, कह रहा है बुफे दावत की वजह से उसकी दुर्दशा हुई, उसे मुआवजा चाहिए। ए धर्मू, आखिर बात क्या है? बात दरअसल ये है जीजा जी, उस दिन सारे मेहमान एक साथ बुफे डिनर में मिल पड़े, अब जगह कम पड़ गई। अरे भैया, तो तुम्हें बिठाकर खिलाना चाहिए था। मेज कुर्सी का इंतजाम अगर नहीं हो सकता था तो अपनी ये जमीन तो कहीं नहीं गई थी। बस यही तो गलती हो गई मुझसे। ए सुनो जी, एक बात बताओ। हाँ। इस आदमी का उस तुम्हारी बफे पार्टी से क्या सरोकार? अब आप तो जानते ही हैं जीजा जी, भीड़ भाड़ के माहौल में कुछ न कुछ धक्का मुक्की तो हो ही जाती है। हाँ, सो तो है। चटनी कोट कांड का भुक्त भोगी भैया मैं खुद ही हूँ। और फिर उधर से आपने क्या कहते, छुरी कांटों का भी बंदोबस्त किया था? वो इन्हीं छुरी कांटों की वजह से तो ये सब हुआ है। कैसे? जी, उस दिन किसी मस्खरे ने चूहलबाजी में ऐसी बेजा हरकत की कि अब बताना मुश्किल है। ओ की गल है भाई साहब, लड़के ने किया कि बहुत जरूरी काम है। आओ आओ भाई बैठो। हाँ। पहले परिचय करवा दो। हाँ। आप ही है मेरे सालिग्राम धर्म जी, इन्हीं के यहाँ उस दिन बुफे की दावत थी। अच्छा अच्छा, वो कोट वाली। और आप है मेरे खास मित्र पड़ोसी अभय। अच्छा, आई क्या बात है, आज की प्रॉब्लम है? ऐसा है, उस बुफे डिनर में मेरे कोट की जो दुर्गत हुई सो तो हुई,
एक और साहब के साथ भी कोई दुर्घटना हुई। अच्छा? अब वो आदमी इन्हें धमका रहा है। अच्छा? धर्मू भैया के साथ यहाँ तक आया है, बाहर चाय की दुकान में बैठा है। हाँ भाई साहब, और वहाँ इसलिए बैठा कर आया हूँ कि मैं पहले आप लोगों से बात कर लूँ, शायद वो आप लोगों को समझाने से मान जाए, कमबख्त मेरी जान तो छोड़े। ठीक है उसको बुला लो। पर उस दिन उसके साथ होया क्या? जी अब देखिए, उसी से सुन लीजिए आप लोग, मैं उसे बुला देता हूँ। अरे विशाल बाबू, अरे पहलवान जी, आइए आइए। जीजा जी जरा संभाल कर बात करिएगा, बहुत खतरनाक आदमी है। आइए आइए आइए। नमस्कार। नमस्ते। काहे के लिए बुलाया मुझे? तशरीफ रखिए। और आप लोगों ने क्या तय किया, जल्दी बोलिए। पहलवान जी, पहलवान जी, पहले हम लोग आपस में परिचय कर लें। ये हैं मेरे जीजा जी चेला राम जी। नमस्ते जी। और ये है मेरी दीदी। नमस्कार। और ये हैं अभय बाबू, जीजा जी के परम मित्र है। नमस्ते। और आप लोगों को पहलवान जी का परिचय देने की जरूरत तो है नहीं। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। अच्छा पहलवान जी, ये बताइए उस दिन इनसे क्या गुस्ताखी हो गई जो आप इतनी बड़ी समस्या खड़ी की है? तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर धर्म जी ने मुझे बुफे भोज के दौरान हुए मेरे जिस्म के घाव और कपड़े के नुकसान के लिए उचित मुआवजा न दिया तो मैं इन्हें कानूनी नोटिस भिजवाऊंगा। अपमान की नोटिस की बात तो जाने दीजिए। नोटिस पहलवान जी, कैसा नोटिस? उस दिन जब मैं इत्मीनान से शांति से रसगुल्ले के डोंगे के सामने खड़ा होकर एक एक करके खा रहा था, तो किसी बदतमीज ने उस भीड़ में मेरी पीठ के नीचे के हिस्से में काटा चुबो दिया। और नहीं तो क्या, कीमती पैंट का नुकसान हुआ वो अलग से। अब बताइए अगर मैं इन महाशय से ये दोनों नुकसान की बाबत मुआवजा मांग कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? तो आप ही देर तक रसगुल्लों की टेबल के पास खड़े थे, क्यों? दीदी क्या करते हैं? तो आप पहलवान जी कितना मुआवजा मांग रहे हैं? नोटिस से मालूम हो जाएगा। वैसे धर्म जी भी अपनी तरफ से कुछ कहें? पहलवान जी आप तो धर्मू भैया, पहलवान जी खास तौर से आपके पीछे किसी ने काटा क्यों चुभोया? पता नहीं, वो तो घर जाकर मेरी पत्नी ने बताया, किसी तरह से लोग मुझे वहाँ से हटाना चाहते थे। यही वजह रही होगी। मुझे दूसरे दिन डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। अब डॉक्टर के पास जाने का खर्च तो आप लोग समझते ही है ना, कीमती पैंट बेकार हो गई, अब भी तशरीफ रखने में तकलीफ होती है। अब देखिए, अब मैंने तो इसीलिए तय कर लिया है कि जब कभी मेरे यहाँ भीड़ भाड़ होगी तो जमीन पर तशरीफ रखवा कर आराम से भोजन कराऊंगा और निमंत्रण पत्र में साफ साफ छपवा दूंगा, कृपया धोती पजामे में ही पधारे, हमारे यहाँ बुफे सिस्टम नहीं है। आप सब लोग ऐसा कुछ करिए कि बात बन जाए और ये झंझट खत्म हो जाए। मेरा एक सुझाव है। हाँ बोलो दीदी। नंबर एक, तुम पहलवान जी को उसी तरह का एक पेंट बनवा दोगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। नंबर दो, हाँ, इनके पूरे परिवार को अपने घर पर, हाँ, अच्छी सी दावत दोगे। पहलवान जी मिल रही, दावत भी मिल रही है, मान जाइए। आप सब लोग कह रहे हैं तो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरी एक शर्त है, क्या? धर्म जी के यहाँ होने वाली दावत का मेनू मैं बनाऊंगा। बनाइएगा बिल्कुल। और आप सबको उसी दिन वहाँ दावत में शरीक होना होगा। जी हाँ, मुझे मंजूर है। इनके लिए अलग से 2.5 दर्जन बड़े बड़े रसगुल्ले जरूर होने चाहिए। मगर काटा छुरी का इंतजाम खाएं तो खाएं कहाँ। अशोक कुमार घोष का लिखा ये प्रहसन अभी आप सुन रहे थे। निर्देशिका थी चंद्रप्रभा भटनागर। ये प्रहसन आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।